नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने गुरु नानक देव जी के 550वें साल प्रकाश उत्सव की बधाई दी। उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारें और देश की उन्नति के लिए मिलकर आगे बढ़ सकें। उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार के सवाल पर कहा कि राज्यपाल के निजी कार्यक्रम में व्यस्त होने के कारण देरी हुई है। कल महामुहिम के आने के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। बीजेपी और जसपा के गठबंधन की प्रदेश में पारदर्शी सरकार चलाने की प्राथमिकता रहेगी। दुष्यंत चौटाला आज अपने निवास पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने ये कहा कि एसवाईएल का मामला अदालत में है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पानी के बंटवारे को लेकर अपना फैसला सुनाना है। जिस प्रकार लंबे समय से कई मामले निपटाए हैं, उसी तर्ज पर एसवाईएल का मामला भी निपटाया जाएगा। सरकार की प्राथमिकता यही रहेगी। पराली की सरकार द्वारा खरीद पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना की जाएगी। किसानों की पराली की सरकार खरीद खुद करेगी। कॉमन मिनिमम कार्यक्रम के तहत सरकार विकास कार्य तय करेगी। गांवों में ग्राम पंचायत अगर प्रस्ताव पास करती है तो उन गांवों में शराब के ठेके नहीं खोले जाएंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर सिरसा स्थित अन्य नागरिक अस्पतालों में अंबाला की तर्ज कैथ लैब खोली जाएगी। और इसी के साथ देखते रहिए पल पल की एक खास खबर। देशवासियों को 550वें प्रकाश पर्व गुरुपूर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और यही सबसे अपील करता हूं कि जिस तरीके से गुरु नानक देव जी ने महिला सशक्तिकरण की बात हो, पर्यावरण की बात हो, भाईचारे को किस तरीके से धार्मिक पाबंदियों से ऊपर उठकर एक किया जाए, जो हमें सिखाया है उनको हम कैसे अपने जीवन में लेकर चले, मुझे लगता है इस 550वें प्रकाश पर्व पर हमें अपने जीवन में कुछ ना कुछ उन संत महात्माओं से, उन फकीरों से, उन गुरुओं से सीखना चाहिए कि हमारे देश की उन्नति के लिए कैसे हम मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। मंत्रिमंडल के विस्तार में जननायक जनता पार्टी की ओर से किन नामों पे मोहर लगा चुके हैं? मंत्रिमंडल का विस्तार जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच की चीज है, क्योंकि 9 तारीख को कई गतिविधियाँ थी, इस कारण उसको पोस्टपोन करना पड़ा। महामहिम भी क्योंकि उनके कोई परिवार में फंक्शन है, स्टेट में नहीं थे, शायद वो कल आ जाएंगे, उसके तुरंत बाद विस्तार भी हो जाएगा। मगर आपको ये विश्वास दिला देते हैं कि प्रदेश में स्थायी तौर पर कैसे मजबूती के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ सरकार चलाई जाए, ये इस गठबंधन का प्राथमिकता रहे। गठबंधन को लेकर कोई बैठक भी आज सीएम साहब से ऐसा कुछ? मैं तो आपके बीच में सिरसा हूँ, यहाँ से हिसार जा रहा हूँ फिर जींद, तो आज जो कुछ होना है तो हमारे संगठनों के बीच का निर्णय है और मैं ये मानता हूँ कि अच्छा कैबिनेट आपके बीच में लेकर आएंगे, काम करने वाले लोगों को लेकर आएंगे जो प्रदेश को प्रगति के पथ पर चलाएं। तो एक एसवाईओ लेकर आपने एक स्टेटमेंट दी थी कि किस तरह से अयोध्या के मामले से सुनवाई, डे टू डे सुनवाई, एसवाईओ पे सुनवाई हो, जो क्या? देखिए, सतलुज यमुना लिंक का मामला सब जूडियस है और इन कमिंग वीक्स उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाना है। वाटर शेयरिंग जिसके ऊपर एप्लीकेशन लगी हुई थी, बिल्कुल प्रयास करेंगे, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग 3-4 लंबे समय से लंबित मामलों को सुप्रीम कोर्ट ने निपटाया है, ये भी एक ऐसा विषय है, इसके ऊपर भी मिलकर सुप्रीम कोर्ट एक्सपेडिशन के साथ निर्णय लेकर आए, ये प्राथमिकता हरियाणा सरकार की रही। सरकार के आदेशों के बावजूद भी अभी भी धान और नरमा की खरीद को लेकर दिक्कतें आ रही है किसानों को। देखिए, हरियाणा प्रदेश के अंदर जो एस्टिमेटेड प्रोडक्शन ऑफ पैडी थी वो 55 लाख मेट्रिक टन थी, हम 61 लाख से भी ज़्यादा परचेज कर चुके हैं। मगर आप लोगों से भी मैं आग्रह करूँगा, पत्रकार होने के नाते, अगर आपको कहीं लगता है कि मंडियों में फेक बिल्स कट कर और आज भी आपके पैडी पड़ी है और जहाँ गोदामों में या शेलरों में जानी चाहिए थी वहाँ नहीं पहुँच रही, जिस तरह की प्रथा इतिहास में रही, अगर आप लोग हमें कोई रिपोर्ट देंगे तो बिल्कुल उसके ऊपर भी तुरंत एक्शन सरकार लेगी। नहीं, ऐसा हो रहा है जैसे आप बता रहे हैं, तो आप मेरे को लाके दो, आप बकायदा फर्म का नाम लाके दो जो फेक बिल्स काट रही है, उसके ऊपर स्पेशल टीम गठित कर भी हमें इंस्पेक्शन करानी पड़े तो सरकार करे। दुष्यंत, पराली को लेकर के किसान आंदोलन की स्थिति में है, सरकार पराली खरीदेगी? पराली को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश है और उसके ऊपर हरियाणा सरकार ने भी चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में ये कहा है कि हम पराली जितनी भी है उसको ना स्टबल को जलाया जाए, हम एक एक किलो उसका खरीदेंगे और उसके लिए न्यूनतम मूल्य
₹100 क्विंटल का तो सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है, उसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट भी अगर हमें देना पड़ेगा, हमारा प्रयास रहेगा कि किसान की जेब से एक रुपया ना। देखिए जहाँ वो मामला है, ये मामला हाईकोर्ट की कमेटी द्वारा मॉनिटर्ड है, मेरे को इसके बारे में इनडेप्थ तो ज्ञान नहीं है, क्योंकि जिस समय ये मामला हुआ था जो फर्स्ट पोर्शन वेकेशन का था, उस समय तो बिल्कुल हमने कहकर सिरसा के अंदर जो फ्लैट्स बने हुए थे उनके अंदर उन लोगों की मूवमेंट कराई। अब ये एक्सपेंशन हाईकोर्ट ने करी है एरिया की, एक बारी मैं उसको स्टडी करा लूँ उसके बाद ही कोई टिप्पणी दे। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की रणनीति आगे कितनी? होल्डी कमेटी बन चुकी है, अनिल वेद जी उसके अंदर हैं, कंवरपाल जी उसके अंदर हैं, पूर्व मंत्री धनखड़ साहब उसके अंदर है, हमारी ओर से अनूप धानक विधायक जी हैं और साथ में राजदीप फोगाट जी हैं, तो सब मिलकर जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के म्यूचुअल पॉइंट्स हैं पहले तो उसको एक्सपेडिशियसली पूरा किया जाए, जिसके ऊपर चाहे वो 50 किलोमीटर में एचटैट का हो, वो आपने खुद देखा कि ऑलरेडी सेंटर्स एलोकेशन पास में होगी, शराब की गांव के अंदर बंदी हो। मैं तो आज आप सारे पत्रकार साथी हो, आपसे भी आग्रह करता हूँ कि अपने माध्यम से भी आप ये प्रयास करो कि ग्राम पंचायतें पूरी की पूरी रेजोल्यूशन पारित करें कि हमारे गाँव में शराब के ठेके ना खुलें, तो हमारी सरकार की प्राथमिकता रहेगी कि अगला जो एक्साइज टैक्सेशन का वित्त वर्ष होगा उसके अंदर जिन जिन ग्राम पंचायतों की तरफ से प्रस्ताव आएगा उनके अंदर हम ठेकों को पूरी तौर पर समाप्त। दुष्यंत, सिरसा में जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का एक भी विधायक नहीं है, बावजूद इसके सिरसा में बड़े प्रोजेक्ट की बात करें, मल्टी जो इसका मतलब तो आपने मेरे को हरियाणा से बाहर का कर दिया जी। आपको ये बताऊं, सिरसा जिले की बात करूं, सिरसा जिले से तो शायद सबसे ज्यादा विधायक चुनकर आए, जहाँ हमारी कैपेसिटी तो 5 विधायकों की है, आज तो सिरसा जिले का नेतृत्व उससे भी ज्यादा है। बड़े मेडिकल हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल की मांग जो लंबे समय से चल रही है, बेफिक्र रहिए, 3-4 प्रोजेक्ट हमने प्लान आउट करे हैं जिसके अंदर स्किलिंग सेंटर की बात हो, हॉस्पिटल अपग्रेडेशन की बात हो, जैसे अपने सिविल हॉस्पिटल है इसके अंदर जैसा कैथ लैब PPP मॉडल के माध्यम से गुड़गांव के सेक्टर 10 के हॉस्पिटल में खोला गया है, आपको चाहूँगा कि एक दिन आप लोग भी जाकर उसको देख कर आए। मेरी स्वयं ACS हेल्थ से भी चर्चा हुई थी कि वो मॉडल हम यहाँ रेप्लीकेट करें, जिसमें स्टंट जैसी व्यवस्था जिसके लिए आज लाखों रुपये देने पड़ते हैं वो 18,000 रुपये में एक व्यक्ति को लगे, SC को, आयुष्मान वाले को या BPL वाले को मुफ्त में वो सुविधा उपलब्ध हो, ऐसी सुविधा लाने का है। आप लोग आइडियाज़ दीजिए, मैं भी घूमूंगा, मैं भी सीखूंगा, अभी तो मेरे को भी ऑफिस के अंदर महीना नहीं हुआ, फिर भी कई चीज़ें हमने पाइपलाइन करी है और ये प्रयास रहेगा सिरसा ही नहीं 22 के 22 जिलों के अंदर एटलीस्ट हेल्थ व्यवस्था, एजुकेशन व्यवस्था, स्किलिंग की जहाँ बात है, रोजगार की जहाँ बात है, उनको प्राथमिकता में ये सरकार लेकर चलती है।